हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में स्टैटिक वर्सेस डायनामिक में क्या फ़र्क होता है, इनका कौन कौन से सिलेबस के पार्ट स्टैटिक में आते हैं, कौन कौन से पार्ट डायनामिक में आते हैं, एंड किस तरीके से इनका रेशियो आज की डेट में प्रिलिम्स के एग्ज़ाम में चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं प्रिलिम्स के सिलेबस को लेकर बात करूँगा। मेंस के लिए अगर आपको लगा कि भाई मतलब ये जानना ज़रूरी है एंड ये अच्छी लगी आपको वीडियो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं मेंस के लिए भी फिर अगली वीडियो इसकी बनाऊं। एंड अगेन आई एम रीइटरेटिंग रिपीटिंग माई सेल्फ कि भाई अगर किसी को कोई कोविड से रिलेटेड मदद चाहिए तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम या नीचे पेज यहाँ पे कमेंट्स में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, कोई गारंटी नहीं है बट जितनी जान मैं लगा सकता हूँ मैं लगाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ ले सकते हैं कि भाई स्टैटिक जो होता है वो थोड़ा आज की डेट में भारी चल रहा है, जैसे ये बिल्ली भारी है, एंड डायनामिक जो है आज की डेट में प्रिलिम्स के लिए थोड़ा सा हल्का है। तो बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, एंड ये मेरा ट्विटर एंड इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे कोई डाउट हो या कुछ और सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोविड से रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो प्लीज़ आप डेफिनेटली रीच आउट कीजिए, एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये ध्यान रखनी है कि आज की डेट में रफली 60-40 का रेशियो चल रहा है स्टैटिक वर्सेज डायनामिक। स्टैटिक इज एट 60% एंड डायनामिक इज एट 40% इन टर्म्स ऑफ प्रिलिम्स। ये जो सिलेबस है यहाँ पे प्रिलिम्स का सिलेबस मैंने दिखाया है। तो प्रिलिम्स के सिलेबस में आप देखते हैं कि भाई करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आगे चल के हम देखते हैं कि ये 60-40 में किस तरीके से डिवाइड हो रही हैं। तो स्टैटिक सबसे पहले क्या होता है? स्टैटिक आपके अनचेंजिंग सेक्शंस होते हैं जो कि स्थिर हैं, जैसे कि हमने वो फर्स्ट पेज पे बिल्ली को देखा कि भाई वो बैठे हुए हैं, इन सेक्शंस में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाय नेचर ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री जैसे है, हिस्ट्री इज़ अ कोर पार्ट ऑफ द स्टैटिक सिलेबस, कि भाई हिस्ट्री नहीं बदलेगी, हिस्ट्री जो थी पहले वही हिस्ट्री अभी भी है। तो अगर आपको हिस्ट्री पे आपकी पकड़ अच्छी है तो आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा है अगर, तो भाई मतलब ये आपको स्ट्रेंथ देता है ओवरऑल। सिमिलरली पॉलिटी इज अनचेंजिंग, इज पार्ट ऑफ स्टैटिक। जियोग्राफी जिसमें एटलीस्ट फिजिकल जियोग्राफी का जो कंपोनेंट है तो फिजिकल जियोग्राफी इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ स्टैटिक। सिमिलरली इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्टैटिक में आएंगे। कॉन्सेप्ट कैसे? कि भाई आपका रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, राइट? अगर किसी को पता है कि भाई रेपो रिवर्स रेपो रेट होता क्या होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बाकी सबको भी बताइए, जिन्होंने इकोनॉमी नहीं करी है उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। एंड यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड जो बाकी नई न्यूज़ है वो स्टैटिक में नहीं आती, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि भाई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब आपके स्टैटिक में आएंगे। सिमिलरली एनवायरनमेंट के सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कि भाई बायोस्फेयर क्या होता है, राइट? ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या भाई मतलब लेट्स से जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है तो ये पार्ट आपके स्टैटिक में आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, ये स्थिर हैं, ये बदल नहीं रहे हैं। सो स्टैटिक को कवर कैसे करना है? क्योंकि ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके उनको बेसिक बुक्स से आपको कवर करना है एंड आपको उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अगेन 60% ऑफ प्रिलिम्स आज की डेट में स्टैटिक बेस्ड हो चुका है। एटलीस्ट 2019 और 20 का ट्रेंड अगर आप देखो तो स्टैटिक हैवी पेपर होता जा रहा है। तो अगर आपकी स्टैटिक पे पकड़ अच्छी है तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स लुक एट व्हाट इज़ डायनामिक। तो डायनामिक क्या होता है? जो जल्दी मूव कर रहा होता है, जो कि हमने पहले पिच पे बिल्ली को अगेन देखा था। तो फास्ट मूविंग जो स्फूर्ति वाली चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे पहले आपका आता है करंट अफेयर्स,
अभी करंट अफेयर्स बहुत रैपिडली चेंज होता है, बहुत नई नई डेवलपमेंट्स आती रहती हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में भाई मतलब कोई नई ट्रीटी साइन हुई है या कुछ नया अकॉर्ड हुआ है या मतलब कोई और ऐसे अग्रीमेंट्स चल रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में नई नई चीज़ें चलती रहती हैं। तो दैट इज़ ये करंट अफेयर्स सारी चीज़ें आपकी डायनामिक में आएंगी। सिमिलरली इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को हटा के जो फैक्ट्स हैं कि भाई लेट्स से कि भाई ये गवर्नमेंट की बजट की नई स्कीम आई है गवर्नमेंट बजट में, तो ये जो बजट की स्कीम्स हैं ये सारी आपके डायनामिक में आएंगी। सिमिलरली एनवायरनमेंट के अपडेट्स, लेट्स से फॉर इंस्टेंस कोई स्पीशीज जो है वो पहले एंडेंजर्ड होती थी अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई है, तो ये जैसे अपडेट्स होते हैं ये आपके सारे डायनामिक में आएंगे। एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस पॉलिटी हमने देखा था इज पार्ट ऑफ स्टैटिक, बट गवर्नेंस जो है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या स्कीम चला रखी है, सरकार क्या नए इनिशिएटिव्स कर रही है, मतलब क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं पॉलिटी के फ्रेमवर्क के अंदर, वो आएंगी पार्ट ऑफ डायनामिक। तो यहाँ पे जियोग्राफी को आप बोल सकते हो कुछ हद तक कि भाई जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ जो बहुत ही नई चीज़ें या न्यूज़ में कुछ आ रहा है वो करंट अफेयर्स में वैसे कवर हो जाएगा, इसीलिए जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये जो बेसिक सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा अपने स्टैटिक रहते हैं, तो डायनामिक में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। देन डायनामिक आप कवर कैसे करोगे, करंट अफेयर्स कवर करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की है कि भाई तीन तरीके होते हैं बेसिक कवर करंट अफेयर्स कवर करने के, या तो आप मंथली मैगजीन्स कर रहे हो, ये मंथली मैगजीन्स आप किसी भी मेजर इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, मेजर इंस्टीट्यूट विच कुड बी विजन, विच कुड बी इंसाइट्स, विच कुड बी आईएएस बाबा, विच कुड बी फोरम आईएएस, विच कुड बी दृष्टि, तो आप किसी के भी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन कर सकते हो, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज चूज वन, सिर्फ किसी एक के करने हैं आपको, क्योंकि सबकी करंट अफेयर्स मैगजीन अगर आप करने लगोगे तो भाई सिर्फ करंट अफेयर्स करते रह जाओगे, आपको स्टैटिक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका आपको करंट अफेयर्स करने का होता है कि भाई आप न्यूज़पेपर से चीज़ें डेली बेसिस पे अपने आप नोट्स बनाएं। क्यों नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर आप रोज़ रोज़ पढ़ते रहोगे तो आदत अच्छी लग जाएगी बट याद आपको कुछ नहीं रहेगा एग्जाम में, सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन नोट्स। सो दिस इज मेथड वन, दिस इज मेथड टू एंड दिस इज मेथड थ्री। मेथड थ्री में क्या है, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे बट अगेन जो मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डेली करंट अफेयर्स आप जाके पढ़ रहे हो, इन डेली करंट अफेयर्स से फिर आप अगेन अपने नोट्स बना रहे हो। क्यों, क्योंकि याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपने जो चीज़ एक बार पढ़ी है वो आपको एग्ज़ाम में शायद ही याद रहेगी, जो चीज़ आपने 5 बार 10 बार पढ़ी है वो आपको ज़रूर याद रहेगी, सो दैट इज़ वाई यू नीड टू रिवाइज वट एवर इट इज़ दैट यू डूइंग मल्टीपल टाइम्स। तो इन तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका, अगेन चूज वन, क्यों, क्योंकि मैगजीन भी करोगे फिर रोज़ न्यूज़पेपर के नोट्स भी बनाओगे फिर डेली करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाओगे, तो भाई मतलब 4 घंटे तो दिन में आप करंट अफेयर्स करते रह जाओगे, बाकी काम कब करोगे। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू चूज वन ऑफ दीज थ्री। आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ रहे हैं उसके नोट्स नहीं बना रहे और मैगजीन से अपने नोट्स बना के उसको मतलब रिवाइज कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, या फिर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे डेली करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ रहे हैं एंड मैगजीन से अपने नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बट सारी चीज़ें आप एक साथ करोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू इंश्योर कि भाई आपकी जो तैयारी है वो एफिशिएंट चल रही है, और इसको करते हुए आपको ये भी याद रखना है कि डायनामिक अब 40% वेटेज रखता है, स्टैटिक की वेटेज जो है दैट इज 60%। तो अगर आपको अपना तैयारी को ऑप्टिमाइज करना है, अगर आपको सबसे इफेक्टिव तरीके से तैयारी करनी है, तो प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए कि आप स्टैटिक कवर करें पहले, स्टैटिक में जब आपकी मास्टरी हो जाए एक बार उसके बाद फिर आप डायनामिक पोर्शन को कवर करें। सो एक बार फिर से ये बिल्लियों की बात कर लेते हैं कि भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है कि स्टैटिक पोर्शन जो है आपका 60% हैवी हो चुका है,
डायनामिक पोर्शन जो है आपका 40% हो चुका है, स्टैटिक इज नॉट मूविंग, स्टैटिक हिल नहीं रहा है, जबकि डायनामिक आपका सारे कहीं जंप मारता फिर रहा है, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया. इफ सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.